गमछा क्यों लगा भाई? पूर्वांचल की निशानी है यार, ऐसा ना करो, इतना खर्चा इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं है। गमछा लगा अरे भाई साहब, हर प्रदेश में सिर्फ पहचान होती है। अच्छा, हरियाणा वालों की हरियाणवी है, हमने पूर्वांचल ही है। चलिए कुछ नया टेस्ट आया भाई। आपका जो मन करे। स्वरचित या क्या आने से मिली है? स्वरचित क्या होता है? अच्छा खुद से लिखे। आपका जो मन करे सर, आज आपका जो आज किया है बोले खुद के अफसानों को पन्नों में पिरोया, खुद के अफसानों को पन्नों में पिरोया, वो डायरी बन गई, कुछ याद किया फिर तुम्हें लिखा, कमाल है यार शायरी बन गई। राज साहब का एक शेर है, राज साहब नहीं रहे, राज इंदौरी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रेखता में उनको सुनने का मौका मिला था दिल्ली में, और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि रूबरू हुआ था मैं उनसे, मिलना हुआ था उनसे। उनका जो सबसे चांद पागल है करके उनकी एक किताब है, और उसे पे एक शेर है इस शीर्षक पे कि रोज तारों को नुमाइशों में खलल पड़ता है, खराब मतलब डिस्टर्बेंस, रोज तारों को नुमाइशों में खलर पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में भी, चांद पागल है जो अंधेरे में भी निकल पड़ता है, पर उसकी याद आई है, उसकी याद आई है, याद आती तो क्या होता है सांसें तेज हो जाती है, उसकी याद आई है, सांसों जरा धीरे चलो, उसकी याद आई है, सांसों जरा धीरे चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ले एक कविता है फिर शेर बिल्कुल है, बिम बनाइएगा बन सके तो अच्छा लगे, चाबी दीजिएगा कुछ। जानती हो पहले की जो कविताएं होती थी वो तो कांत होती थी, लेकिन जब हिंदी साहित्य में नई कविता का दौर आया, जैसे अज्ञेय है, मुक्ति बोध है, तो इन लोगों में फिर नाम नहीं सुने होंगे इसलिए बता रहा आगे आए, फिर कविताएं जो है तुकान तो होना जरूरी नहीं समझा गया, ये पैमाना हटा दिया गया, तो फिर भीतर की जो चीजें हैं यानी इनोवेशन जो है यानी शब्दों के माध्यम से शब्दों में जो आविष्कार है वो खुल के और सामने आया, तो तुकांत की अपेक्षा मत करना क्योंकि वो अब हट ही गया है। अब सुनो, जानती हो तुमको लेकर मेरे भीतर कुछ इच्छाएं हैं जो लगभग हर रात मुझे छूती हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत प्यार, अभी और करना चाहता हूँ, मैं तुमको ऐसे प्रेम करना चाहता हूँ जैसे तितलियाँ फूलों से करती हैं, पर उनमें भी दोष होता है, ये एक फूल से रस लेकर फिर वो उड़ जाती हैं दूसरे फूलों की तरफ, लेकिन मैं उड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं उड़ना नहीं चाहता, मैं तुमको ऐसे प्रेम करना चाहता हूँ जैसे मछलियाँ पानी से करती हैं, पर इसमें भी एक उलझन है कि जैसे मछलियों को पानी की जरूरत होती है वैसे पानी को मछलियों की नहीं, मैं तुमको ऐसे प्रेम करना चाहता हूँ जैसे बारिश की बूंदों से रेगिस्तान की रेत करती है, लेकिन वो भी चिर स्थिर नहीं क्षणिक है, जो सूरज के आते ही रेत से पानी दूर हो जाता है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी तरह प्रेम करना चाहता हूँ, मैं खुद में तुम होना चाहता हूँ और फिर अपनी तरह शेखर की तरह प्रेम करना चाहता हूँ, क्योंकि खुद से ज्यादा कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आप फिर से शेर कहते हैं, मतलब हम ही है सेंटर, हम भी है तहजीब हाफी पाकिस्तान के शायर हैं,
तो उनका एक शेर है, उनका शेर है, गजल है, गजल की कुछ शेर है। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। और लड़कियां इश्क में कितना पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। उसी का अगला शेर है कि तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। आमिर अमीर करके एक शायर हुए हैं, उनकी एक नज्म है, अभी ना तुम तक पहुंचानी है। चल आ एक ऐसी नज्म कहूं, जो लफ्ज कहूं वो हो जाए, मैं अश्क कहूं तो एक आंसू तेरे गोरे गाल को धो जाए। मैं आ लिखूं तू आ बैठे, मैं आ लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तो मैं नींद कहूं तो सो जाए। मैं कागज पर तेरे होठ लिखूं, तेरे होठों पर मुस्कान आए, मैं कागज पर एक बिंब बनाओ यार, मैं कागज पर तेरे होठ लिखूं, तेरे होठों पर मुस्कान आए, मैं दिल लिखूं तो दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए। तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। मैं आह लिखूं तू हाय करे, मैं आह लिखूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर मैं बेचैन का बे काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, अभी एन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद ओढ़े, मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। आमिर का है ये पेन, मुझे भी चाहिए। आज कुंगू वाली पेंसिल है। हां काका कुंगू वाली पेंसिल है। अरे बिल्कुल मोहब्बत वाली पेंसिल ऐसा भी लगता है। मिलेगी पैसा है। एक और गजल है उनकी, ये नज़्म की गजल है। अगर अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के है नाम मेरे, परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के है नाम, दुनिया क्या जानती है मुझको, गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के है नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं हारा तो तुम हो मेरी, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारा।